हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईयूबी जॉब्स अपडेट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आज फिर एक नई वैकेंसी के साथ। आज जो आपकी वैकेंसी निकल के आई है वो आपकी SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपकी क्लर्क एंड अदर पोस्टों के लिए आपकी वैकेंसी निकल के आई हुई है। ये वैकेंसी आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। आप इस वैकेंसी के लिए ऑल ऑफ इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एप्लीकेशन फीस इसमें आपकी क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन इसमें आपकी क्या मांगी गई है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर जो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टोटल पोस्टों की बात की जाए कि आपकी वैकेंसी कितने पदों पर निकाली गई, तो लगभग 4000 पदों पर आपकी वैकेंसी निकल के आई हुई है। पोस्ट नेम, इसमें आपकी जो पोस्ट है वो लोअर डिवीजन क्लर्क एंड अदर पोस्टों के लिए आपकी वैकेंसी निकल के आई हुई है। ऑनलाइन डेट फॉर लास्ट डेट यानी आपके आवेदन कब से कब तक भरे जाएंगे, तो जो आपके फॉर्म है वो आपके 5 नवंबर 2022 से भरना शुरू हो जाएंगे और 4 दिसंबर 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी 4 दिसंबर 2022 आपकी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम यानी आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी मार्च 2023 तक होगा। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें आपकी क्या रखी गई है, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी है वो जनरल OBC EWS के जो कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। SC और ST एंड फीमेल की यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। इन सभी के फॉर्म एकदम फ्री में भरे जाएंगे। एज लिमिट यानी इसमें आपकी एज क्या मांगी गई है, तो आपकी जो मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए। एज में हमें रिलक्शन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स का, SC और ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स की एज में छूट मिलेगी। क्वालिफिकेशन इसमें आपकी क्या मांगी गई है, तो क्वालिफिकेशन इसमें आपकी 10+2 यानी 12 पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यानी इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका जो सिलेक्शन है वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा। पे स्केल यानी इसमें आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो आपकी जो सैलरी है मिनिमम 25,000 से लेकर 81,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, यानी हर मंथ का अमाउंट आपको बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अप्लाई मोड जो आपका है ये ऑनलाइन रहेगा। जॉब लोकेशन जो आपकी है ये है ऑल ऑफ इंडिया, यानी आप इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी या किसी भी विलेज से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में, तो आपके सब्जेक्ट क्वेश्चन टोटल कितने हैं, टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, तो आपके रीजनिंग में 25 क्वेश्चन जो हैं 50 मार्क्स के अंदर ही पूछे जाएंगे। मैथ में आपके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही पूछे जाएंगे। हिंदी में आपके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे, यानी आपके इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही पूछे जाएंगे। टोटल जो आपके हैं 100